में भी एस से लिखा होगा पर जैसे जैसे हम अपनी क्लास में ग्रेड अप हो रहे हैं हमें अपने एस सी का ग्रेड और लेवल भी अप करना है राइट सो लेट सी वट वी है शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग इट रिप्रेजेंट द आइडियाज ऑफ द राइटर इन एन ऑर्गेनाइज एंडग्राउंड ऑफ द टॉपिक बॉडी एट द डिटेल एंड द कंक्लूजन तो ऐसे होता क्या है जब हम किसी की चीज के बारे में अपने व्यूज अपने आइडियाज एक ऑर्गेनाइज मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइज मैनर में प्रजेंट करते हैं वो हमारा एक एस ए होता है एस ए का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए एक बैकग्राउंड होना चाहिए एक मेन बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन भी होना चाहिए ठीक है सो वाइल यू राइट एन एस आप लोगों को श्योरली ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप सारे पार्ट्स ऑफ द ऐसे को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप अपने ऐसे को शुरू कैसे करेंगे आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए एक ब्रीफ और एक क्लियर थॉट के साथ सेकेंड है बॉडी बॉडी के अंदर क्या होता है सारे मेन पॉइंट्स होते हैं राइट right? वो सारी चीजें जिससे वो पूरा ऐसे डील करेगा वो सब उस बॉडी में आएगा ठीक है और आपको ध्यान रखना है जो आपका मेन आइडिया है सब कुछ उससे कनेक्ट होना चाहिए उससे रिलेटेड होना चाहिए कंक्लूजन में क्या होगा कि लास्टली उस ऐसे का क्या इंप्रेशन तुम छोड़ोगे रीडर्स पे वो तुम्हारा कंक्लूजन होता है तो आपका जो कंक्लूजन है वो काफ़ी कन्विंसिंग होना चाहिए ठीक है अब हमारे पास ऐसे के एग्जाम्पल्स हैं वैल्यू ऑफ टाइम है पहला टाइम इज प्राइसलेस टू एवरी वन इट इज फ्री टू ऑल हाउ एवर नो वन कैन बाय इट और सेल इट तो आप देख सकते हैं हमने टॉपिक को किस तरीके से स्टार्ट किया कि जो टाइम है वो प्राइसलेस है ना कोई उसे खरीद सकता ना कोई उसे सेल कर सकता चाहे वो फ्री है फिर भी वन कैन डिस्ट्रॉय द टाइम एज वेल एज यूज़ द टाइम कोई इंसान टाइम को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसे यूज़ भी कर सकता है हाउ एवर इट इज ट्रू दैट वन हु डिस्ट्रॉयज द टाइम कैन बी डेफिनेटली डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम द पर्सन हु डिस्ट्रॉयज टाइम इज डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने ऐसे में ऐसे ऐसे फ्रेज़ेस यूज़ करे हैं ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ना ही वो ज्यादा बोरिंग लग रहे हैं दे आर इंटरेस्टिंग फॉर अस टू रीड वन हु लूजेज द टाइम कैन नेवर गेट टाइम में डिस्ट्रॉय आर हेल्थ इफ वी डो नॉट टेक आर फूड इन टाइमली मैनर और टेक अ मेडिसिन एट द राइट टाइम टाइम इज लाइक अ रनिंग रिवर विच गोज कॉन्स्टेंटली हेड बट इट ने रन बैक ठीक है तो इसके मैं क्या लिखा है कि जो हमारा टाइम है इट इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर जो कभी रुकेगा नहीं आपको अपने टाइम को खुद मैनेज करना है यू इट विल नॉट स्टॉप फॉर यू ओके वी शुड बी वेरी पंचफल अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डू ऑल आ वर्क विद इन द टाइम

एक और दो हमारे पास एग्जाम्पल्स है स्ट्रीट हॉकर एंड दैट देयर इज अ गुड सिटीजन यू कैन ऑल जस्ट गिव इट अ रीड एंड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से आपको लिखना है बट एसे की प्रैक्टिस तभी होगी अच्छे से जब आप उन्हें खुद लिखेंगे तो हमारे पास ये टास्क है जिसके अंदर आपको क्या लिखना है uh, एसेज लिखने हैं इन फॉलोइंग फॉलोइंग टॉपिक्स पे राइट यू हैव सिक्स टॉपिक्स सो वन बाय वन यू कैन राइट ऑल द टॉपिक्स डे बाय डे एंड यू विल बी वेरी गुड एट ए राइटिंग बस आपको ध्यान रखना है आपको पहले एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है फिर आपको अपनी मेन बॉडी के अंदर सारे चीजें इंक्लूड करनी है जो आपको अपने ऐसे में बतानी है और वो आपके जो मेन टॉपिक है उससे लिंक करनी चाहिए ठीक है थर्ड क्या है थर्ड आपका मेन फैक्टर ये है कि आपका कंक्लूजन जो है वो कन्विंसिंग होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए ओके राइट सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक एस टिल देन गुड बाय एंड टेक एवरी वन